और वही उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बात की। पीएम मोदी ने फोन पर बात कर मजदूरों का हालचाल जाना। 17 दिन बाद उत्तरकाशी में टनल से 41 मजदूरों का रेस्क्यू पूरा किया गया था और ऐसे में क्या अब वो सुकून से हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी सेहत है, इन तमाम बातों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने के लिए इन मजदूरों से उन्होंने फोन पर बात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सभी 41 मजदूर एक साथ एक जगह पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन के जरिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। इन सब के बीच लगातार बीच बीच में ऐसी खबरें आती रही थी कि कैसे पीएमओ की पूरी नजर है इस ऑपरेशन के ऊपर, कैसे प्रधानमंत्री पल पल के अपडेट ले रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कई बार बताई थी और अब जबकि मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी मजदूरों का हालचाल जाना, व्यक्तिगत रूप से सभी से बात की। ये फोटो उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री की बातचीत इन मजदूरों से हुई थी और पीएम मोदी के मजदूरों से बात करने के बाद सीएम धामी ने ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिलक्यारा टनल से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किए गए श्रमिकों से फोन पर बात कर उनका कुशल क्षेम जाना। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम रोल रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों का रहा, क्योंकि इन मजदूरों ने 24 घंटे में हाथों से सिलक्यारा की तरफ से 10 से 12 मीटर की खुदाई पूरी की और उनकी इस कड़ी मेहनत की वजह से 17वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया। मतलब दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने कमाल कर दिया। एक रोज पहले सिलक्यारा की तरफ से 6 मजदूरों ने पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम करना शुरू किया। मजदूरों को सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 मीटर की खुदाई करनी थी, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि लोहे के पाइप के अंदर छोटी सी जगह में खुदाई करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी रैट माइनर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। सोमवार यानी 27 नवंबर की शाम को खुदाई का काम शुरू किया गया और अगले दिन यानी मंगलवार की शाम तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। मतलब टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने में जहां आधुनिक तकनीक वाली अमेरिकी ऑगर मशीन कामयाब नहीं हुई, वहां हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। मतलब देसी तरीके से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया। रैट होल माइनिंग, इनका मतलब सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों ने इसको किया था। उस समय कोयले की खदानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं, ये जमीन में गड्ढा करते हैं और इसीलिए इसका नाम रैट होल माइनिंग रखा गया। रैट का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद और माइनिंग का मतलब खुदाई, यानी छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें छोटे से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। इस देसी तकनीक का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है और यही देसी तकनीक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर ऑगर मशीन से आगे की खुदाई की जाती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हिमालय के पहाड़ बेहद कच्चे हैं। मतलब पूरी पृथ्वी की तुलना में ये पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए इनकी चट्टानें कमजोर हैं। ऐसे में अगर मशीनों से ड्रिलिंग की जाती तो पहाड़ के धंसने का खतरा था। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने रैट होल माइनिंग यानी हाथों से खुदाई का काम पूरा किया। बिना किसी मुसीबत और परेशानी के मजदूरों को निकालने के लिए पाइप डालने का काम पूरा किया जा सके, क्योंकि 24 नवंबर को ऑगर मशीन के खराब होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि मजदूरों को सुरंग से निकालने में 5 से 6 दिन का वक्त और लग सकता है। लेकिन दिल्ली से बुलाई गई रैट माइनर्स की टीम यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने पूरी कहानी ही बदल दी। इन मजदूरों ने टनल में तेजी से खुदाई शुरू की और सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रास्ता साफ कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी टनल में इन मजदूरों ने 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप में घुसकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम तक पहुंचाया। राइट माइनर्स टीम के लोग एक एक कर पाइप के अंदर जाते और फिर हाथों से छोटी कुदाल की मदद से वहां खुदाई करते थे। इसके बाद ये मजदूर ट्रॉली में करीब 250 किलो मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर ड्रिलिंग के दौरान मजदूरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए भी एक मशीन दी गई थी।